हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अंकित लिल्हा, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। सीए फाउंडेशन, इनफैक्ट सीए के सभी लेवल्स के एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं जिनका हमको ध्यान देना चाहिए, कैसी पेन अलाउड है, कैसा कैलकुलेटर अलाउड है, हम लोग को क्या क्या साथ में कैरी करना है। ईच एंड एवरी थिंग इज़ बींग मैंशनड इन दी एडमिट कार्ड, और उसके कुछ की पॉइंट्स को हम आपको फटाफट बता देते हैं। एडमिट कार्ड का आपने प्रिंटआउट निकाल लिया होगा, फर्स्ट पेज यहाँ पे हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंड पेज से हमने खोल के रखा है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड पेज दोनों का प्रिंटआउट अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। बाकी के पेजेस का प्रिंटआउट रखना नेसेसरी नहीं है। तो बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर के हम लोग एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज रहते हैं, उन चीज़ों की क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। और इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिकॉज सेशन के एंड पे आपके लिए एक बहुत खास स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, उसको मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स, क्या क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए ये एडमिट कार्ड है आपका। एडमिट कार्ड के सेकंड पेज से हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट पेज में आपका नाम, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड, आपकी फोटो लगी होगी। अगर आपकी फोटो नहीं लगी है तो अपनी फोटो साथ में कैरी जरूर से करिएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपके पास में एक नेशनल आईडी कार्ड जरूर से होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ नेशनल आईडी कार्ड विथ यू, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक नेशनल आईडी आपके पास में जरूर से होनी चाहिए। दिस इज चेक पॉइंट नंबर वन। प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी फुली अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट, ये आपके सेकेंड पेज पे इनविजिलेटर साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, ये उनके लिए है। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन डेट्स क्या है और टाइमिंग क्या है, इट इज़ ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम, फॉर द फाउंडेशन आई एम टॉकिंग, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of December, नेक्स्ट इज 10th, 12th, 14th, तो 8, 10, 12, 14 एक एक दिन का गैप है, परफेक्ट शेड्यूल है एकदम, ठीक है। और ऑलरेडी आपको एक सफिशियंट टाइम मिल गया है। टाइम रहेगा जो आपके पहले दो पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, उनके लिए आपको 2 से 5 का टाइम मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनके लिए आपको 2 से 4 का टाइम मिलेगा। अब क्या रीडिंग टाइम मिलता है, क्या पेन कौन सी अलाउड है, कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी आते हैं। तो 2 से 5 तक में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ध्यान सुनिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम अलाउड नहीं है। तो इसका पेपर हम कह सकते हैं कि 1:45 पे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ये एग्जैक्टली आपको 2 बजे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस रीडिंग टाइम विल बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर 1 एंड 2, कोई एडवांस टाइम नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर 3 एंड 4। आपको एग्जाम में 2:15 तक लास्ट एंट्री मिलेगी, हालांकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एडवाइस टाइम जो है पहुंचने का वो 1 बजे तक का है, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक, तो फिर उसके लिए 1 बजे आपको एडवाइस किया गया है पहुंचने का। मेरा भी मानना यह है कि एग्जाम का जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाना चाहिए। अवॉइड करिएगा ज़्यादा लोगों से बातचीत करना एग्जामिनेशन हॉल में, और एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे तो फिर इट विल बी सेफ। घबराने की हालत इसमें कोई बात नहीं है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू लीव द एग्जाम सेंटर एट 4 PM, इससे पहले भी हो गया तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा निकलना। नेक्स्ट, अब ये MCQ बुकलेट पे कैसे लिखना है, कौन सी पेन से लिखना है, ये सब आपको हम गाइड कर देते हैं। चलो ऐसा करो, इस बार एक और बड़ी शानदार चीज़ है, इंस्टीट्यूट ने इसका भी स्पेसिमेन पूरा दे के रखा है। देखो, आपको जो सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपको ऊपर रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना होगा अपना, जैसे मान लो 12,167 है, तो फिर आपने लिख दिया 0, 1, 2, 6, 7 करके, या फिर आपने 12,067 करके, वैसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर पे डैश लगा दीजिएगा, पेपर नंबर 1 होगा तो 1 लिख दीजिएगा, 2 होगा तो 2 लिख दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आंसर शीट्स, जितने एडिशनल आंसर शीट्स आप लेंगे, जैसे यहाँ पे मेन तो रहेगा ही, अगर आपने एक एडिशनल शीट ली है तो यहाँ पे 1 लिख देना, और फिर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे इस बॉक्स के अंदर। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक स्टीकर दिया जाएगा, वो आपको इन्विजिलेटर देंगे, वो स्टीकर आपको निकाल के देंगे, इसके ऊपर आपको चिपकाना होगा। आप अपना रोल नंबर यहाँ पे बड़ी सावधानी से भरिएगा, ठीक है, यहाँ पे अपना रोल नंबर बड़ी ही सावधानी से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, ठीक है। इसके लिए आप फिलअप करने के लिए आप एच बी पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने साथ में इरेजर ज़रूर से कैरी करिएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात,
आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल करनी है। तो आपको अपने साथ में ब्लैक बॉल पेन, स्केल, इरेजर, पेंसिल, ये सब कैरी करना है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। द मैक्सिमम यू आर अलाउड इज़ अ ब्लैक बॉल पेन। आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्राम्स वगैरह के लिए, अदर देन दैट नथिंग एल्स शुड बी रिटन विथ पेंसिल ऑल्सो। ठीक है, फिर इन्विजिलेटर साहब यहाँ पे आके अपना करेंगे। अब ये एक चीज़ है, ये भी देखो बच्चों को कई बार मालूम नहीं होता है, कई ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग को इनफैक्ट मालूम नहीं होती हैं जब हम लोग एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग अभी से सीख लीजिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, तो यू हैव टू टिक अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 1, फिर जो जो आपका यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड होंगे वो सब आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जो आप अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे आप टिक कर देंगे, नथिंग एल्स इज टू बी डन। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग भर देगा, मार्क्स मत लिख दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, एमसीक्यू वाला शीट कैसा होगा? देखो, एमसीक्यू वाला शीट ऐसा होगा, इसमें आपको HB पेंसिल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, ताकि अगर कुछ गलती हो जाए उसको साफ तरीके से आप मिटा सकते हैं। प्लीज़ वो अपने 5 साल से जो बचाया हुआ इरेजर है वो बचा करके, वो उठा करके मत ले जाना। ठीक है, एक अच्छा सा इरेजर खरीदेंगे, अप्सरा वाला। ठीक है, और उसी को लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कोई गलती हो गई तो उसको, ताकि आप करेक्ट कर सकें। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा, जो क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखा होगा, एक कोड लिखा होगा, मान लो LEC लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और सेट कोड ABCD जो भी होगा वो भी अगेन आपका मेंशन होगा। रोल नंबर आप अपना यहाँ पे भरेंगे और फिर आप आंसर्स एक एक करके फिलअप करना शुरू करेंगे। ठीक है, आंसर्स के लिए ऐसा मत कर देना कि एकदम लास्ट में करेंगे, थोड़ा बहुत करके करते जाना, जैसे 20-20 का सेट बना करके आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट हैज़ टू बी योर चॉइस। सिग्नेचर यहाँ पे अपना फिर आपको प्लेस कर देना है, इन्विजिलेटर अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। यहाँ तक बातें आपको आंसर बुकलेट से जुड़ी हुई क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ, यू कैन जस्ट गेट बैक टू दी वीडियो, नोट डाउन द थिंग्स, हैव योर ओन चेकलिस्ट। ठीक है, आपनी चेकलिस्ट बना लो, आई हैव शोन यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा भैया, आओ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अभी तक हमने कहा कि केवल ब्लैक ब्लैक बॉल पेन, ब्लू वगैरह अलाउड भी नहीं है, ब्लैक अलाउड है, पेंसिल अलाउड है अपने को। नेक्स्ट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको साथ में एक छोटा स्टेपलर भी कैरी करना है, वो बड़ा वाला स्टेपलर उठा के मत ले जाना। ठीक है, कि किताब ही बाइंड कर देंगे, नहीं, आप एक छोटा स्टेपलर अपने साथ में कैरी कर लेना। एडिशनल शीट्स जो होती हैं उसको टाई करने के लिए आपको नॉट दिया जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है कि आप स्टेपल भी लगा दें उसको, तो एडिशनल शीट्स जो होंगी उसको आप ऊपर ऊपर की तरफ में स्टेपल लगा सकते हैं। ऐसा मत कर देना बहुत अंदर तक स्टेपल लगा दिया, ऊपर की तरफ में आप उसको स्टेपल लगा सकते हैं, उससे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहती है। कहीं पर भी रोल नंबर एडिशनली मेंशन मत करिएगा अदर देन द फ्रंट पेज, ध्यान रखना। कई बार हम लोग को आदत होती है कि एडिशनल शीट लिया तो उस पर भी रोल नंबर वगैरह सब चढ़ा देंगे, वो सब मेंशन मत करिएगा, उसको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर में जो आपको मिलेगा वहीं पर लिखना है। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, ईच एंड एवरीथिंग। बार बार इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग गलती कर जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू मिस्टेक मेक अ मिस्टेक इन इट। राइटिंग पैटर्न के ऊपर आई विल मेक अनदर सेशन, हाउ टू राइट इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, क्या राइटिंग पैटर्न होना चाहिए, आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो। एनीवेज, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। स्टेपलर अपना कैरी करना ही हमने आपको बता दिया। अब देखो ये कुछ ज़रूरी बातें, कोरोना के लिए क्या क्या करना है अपने के लिए। कोरोना डरो ना, लेकिन इसके लिए ये बचाव करो, क्या मास्क ज़रूरी है और फेस शील्ड ऑप्शनल है? ऑब्वियसली हमको लगता है कि ऑप्शनल है तो शायद ही कुछ लोग पहन करके आए, लेकिन ये भी आप चाहें तो पहन सकते हैं, आपकी मर्जी। आप ग्लव्स चाहें ग्लव्स पहन सकते हैं। आपकी वाटर बॉटल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर में एकदम पूरा हार्ड वाटर बॉटल है तो अंदर में कुछ चीटिंग वीटिंग का चांस हो सकता है। तो हार्ड वाटर बॉटल मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखाई देना चाहिए। आप स्मॉल सैनिटाइजर, ठीक है, बड़ी वाली बोतल उठा के मत ले जाना, और एग्ज़ाम रिलेटेड और भी जो आपके आइटम्स हैं वो सब तो रख ही लेना, एडमिट कार्ड अपना, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स, फोटो आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है, ये सब आप अपना रख लेना। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेटर वाली चीज़ के ऊपर, अगली बड़ी चीज़ जिसमें अपने गलती कर ही जाते हैं। कैलकुलेटर भैया साइंटिफिक वाला अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर जिसमें 6 से 12 डिजिट तक का आंसर अपना आता है वो वाला कैलकुलेटर अलाउड है। हमने अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास में आपको ये भी बताया कि कैसे कैलसीज को आप प्रेफर करें, जैसे दिस इज द कैलसी,
जो कि एकदम ओके है, इसके अंदर में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह जैसा नहीं है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप दो कैलसीज लेके जाएं, खास करके अपने अकाउंट्स मैथ्स के एग्जामिनेशन में आप दो कैलसीज लेकर के जाएं, कई बार एक खराब हो जाता है तो दूसरा अपने काम आ जाता है, ठीक है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, नो अदर पर्पस। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, उसमें अपना रोल नंबर वगैरह आपको लिखना होगा। एडिशनल शीट अगर आप लेते हैं तो उस पर रोल नंबर नहीं लिखना है, उसको नोट भी करना है और उसको स्टेपल भी लगाना है, ठीक है। बाकी चीज़ें एग्जामिनर आपसे भरवाएगा ही वहाँ पे पहुँच करके। जैसे कई बार वाई एम टेकिंग दिस सेशन, कई बार एग्जाम हॉल में पहुँचने पर हम लोगों को ये लगता है कि अरे कहीं अपने पहली बार दे रहे हैं, एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने आपको कैसी शीट्स वगैरह होगी वो सब दिखाई दिया, ठीक है, चलो। और ये आपको मालूम है डिस्क्रिप्टिव का 3 घंटे का होता है, एमसीक्यू का 2 घंटे का एग्जाम होता है। एमसीक्यू में आपको याद रखना है कि +1 -0.25 की स्कीम है, +1 फॉर करेक्ट, -0.25 फॉर इनकरेक्ट, और अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो 0, प्लस भी नहीं होगा माइनस भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अटेंडेंस शीट वगैरह आप भर लेंगे, वहाँ से OMR निकाल करके अपने शीट पे आप चिपका देंगे, वो जो एक स्टिकर आपको दिया जाएगा वो आप स्टिक कर देंगे। एग्जम्पशन वगैरह इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बस, और कोई ऐसी इसमें बहुत खास बात नहीं है, और कोई इसमें खास बात ऐसी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें जिनको आप वापस से हम आपको बता दें, ध्यान रखेंगे, एक ये कि आपको ब्लैक बॉल पेन ही इस्तेमाल करनी है, आप साथ में पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए आप पेंसिल ही इस्तेमाल करिएगा, HB पेंसिल, मतलब अच्छी पेंसिल, अच्छी क्वालिटी के पेंसिल इस्तेमाल करिएगा, HB कहने का मतलब है। और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब वो समय आ गया है कि हम आपको जो खास एक अनाउंसमेंट है वो सब बता दें। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आपको पहले से मालूम होगी, मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, आप कैलकुलेटर वगैरह आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये वो हाइलाइटर मार्कर वगैरह ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं है। अब आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, आई टोल्ड यू कि उसके लिए एक अलग सेशन है। नाउ द टाइम फॉर अ स्पेशल अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, I have already taken some of the test जो कि आपके लिए हमारी वेबसाइट lilhaeducationcenter.in पर अपडेटेड है। यहाँ पर अगर आप lilhaeducationcenter.in इसके मॉक टेस्ट सेक्शन पर अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ढेर सारे टेस्ट यहाँ पर अपडेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर within two days from today, लाइक टुडे इज 2nd of November, within 4th or 5th of November, for the same chapters of mathematics, इकोनॉमिक्स एंड BC के यू विल फाइंड आउट सम मोर टेस्ट बींग अपडेटेड। यहीं पर आपको कुछ और टेस्ट हैं जो कि अपडेटेड दिखाई देंगे विद इन 2-3 डेज, और यहाँ पर और भी टेस्ट अपडेट होते जाएंगे। मोर ओवर लॉ की प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता दें, हम लोग एक टेस्ट अपडेट करेंगे ऑन लॉ की प्रैक्टिस के लिए, इसकी एक अनाउंसमेंट भी आपको अलग से करेंगे। लॉ की प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक टेस्ट अपडेट करेंगे ऑन 11th, तो 11th ऑफ नवंबर, ऑब्वियसली 11th ऑफ नवंबर को हम लोग अराउंड 2 PM तक एक टेस्ट अपडेट करेंगे, जिसकी आंसर की आपको 12th ऑफ नवंबर को अगेन वेबसाइट पर अपडेटेड दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनके लिए हम पूरा प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उसको एनालाइज करके बताएंगे। जो बाकी के भी स्टूडेंट्स हैं, इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर 100% चेकिंग, बट आई विल शेयर दी आंसर कीज विथ यू, आई विल गिव यू दी गाइडलाइंस कि इसको कैसे क्या आंसर करना चाहिए था, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट कि इसको कैसे करके आप अपीयर कर सकते हैं। लॉ की केस स्टडीज़ के हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत ढेर सारे सेशंस डाले हैं, उन केस स्टडीज़ के सेशंस को आप सर्च करें और ज़रूर से उसको कर लें, वो आपको आपके राइटिंग पैटर्न में भी हेल्प करेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। लाइक रिसेंटली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक केस स्टडीज़ का वीडियो गया था बाय अनुराग सर, हमने उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डाला था, और फिर उसके बाद अभी मेरा भी एक सेशन और अनुराग सर का एक और सेशन आने वाला है रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। सो 11th ऑफ नवंबर याद रखिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, इस टेस्ट को अपीयर करिए और फिर नेक्स्ट डे अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए। आपको प्रॉपर की पॉइंट्स के साथ बता देंगे कि किस बात पे कितने नंबर हैं, कैसे करके अपीयर करना चाहिए। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहा सेशन, ठीक है, और अगर यूजफुल रहा
तो इस पे अपना पूरा प्यार बरसाते हुए इसको ज़रूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। यही एक हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दिस वॉज अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, गुड बाय।